में कांग्रेस की हार का असर दिल्ली तक पड़ने के संकेत है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सहमति बनी नहीं, गठबंधन बना नहीं, उसको लेकर अब क्योंकि हार जब हो जाती है, कई बड़े फैसले और कई दोस्त कौन दुश्मन कौन वो भी तस्वीर साफ हो जाती है। तो फिलहाल कांग्रेस की हार का असर दिल्ली तक दिख रहा है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। उधर इंडिया की सहयोगी शिवसेना उधर गुट ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है और ये कहा है कि अति आत्मविश्वास की वजह से यह हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। और हरियाणा में कांग्रेस जिस तरह से अति आत्मविश्वास में थी जिसकी वजह से हार हुआ, शिवसेना उद्धव गुट का कांग्रेस पर यह निशाना। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में एक दो सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। वही महाराष्ट्र में कांग्रेस के अन्य सहयोगी भी उसे आईना दिखा रहे हैं। जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सबको कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहां क्या गलतियां हुई कि वो फिर से हम उतर गया। हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहां कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा।